अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल ठीक है। आज न्यू व्लॉग बन रहा था, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करेंगे। ओके, मॉर्निंग भी हो चुकी है, मॉर्निंग के 8 o'clock हो रहे, फिर धूप भी हमारे पास निकल गई। ओके, फिर मैं हूँ किचन में, थोड़ा सा फिर वापस स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा फिर शूट भी करेंगे हम, फिर मेरे को आटा भी गूंदना है, फिर ब्रेकफास्ट भी बनाना है फिर। ओके, आप लोगों को मैं एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी आज। ओके, बनाना सिखाऊंगी। ओके, ये है बीन्स की फली। एड्रेस पहले मैं चॉप कर चुकी थी, मैं देखिए यहाँ पे, फिर इसको टाइम नहीं आया इसको बोल दो। बहुत सारे मेरे पास वेजिटेबल थे, फिर वही बनाई मैं, फिर इसको मौका ही नहीं मिला मेरे को बनाने का, फिर वैसी रह गई थी, डब्बे में डाल के रख दी थी मैं। ख़राब नहीं है, अच्छी है। फिर उसके बाद इसको वॉश कर लूँगी मैं, वॉश कर लेके फिर एक बाउल में डाल के फिर इसको थोड़ा सा नमक ऐड करके फिर इसको अच्छे से हम गला लेंगे, 90% गला लेंगे हम। ओके, इसको अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ मैं, फिर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसमें, ऐड करके फिर हम इसको पहले हम इसको 90% हम इसको गला लेंगे। ओके, हम चॉप करेंगे पोल तरीके से। अभी देखिए ये दराती है, ये दराती है ओल्ड तरीके से भी हम प्याज चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम पतली कटती से प्याज, यहाँ पे देखिए कितनी पतली सी कटी प्याज एकदम। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अभी हम एक बॉल रख चुके हैं, अब चूल्हे पे चूल्हा भी ऑन कर लेंगे। अब हम ऑयल ऐड कर लेंगे, अपने अपने हिसाब से कर लेना। ओके, कम या ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल अपने अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए हमारी बीन्स अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब हम ऑयल को हीट होने देंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, प्याज को हम ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज है ये, ऑनियन है। ओके, ये फटाफट होती है, जो ओल्ड जो स्टाइल से हम प्याज चॉप करते ना, बहुत फटाफट काट सकते हैं हम, चॉप कर सकते हैं इसे, और एकदम पतली कर दी एकदम। यहाँ देखिए एकदम पतली, बोलते पतली कर दी, मैं बहुत पसंद आती हूँ ऐसा चाकू से, तो मेरे को दरांती से काटना बहुत पसंद, मेरी मम्मी ने काटते थे वैसा। इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे हम, अब ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से। अब ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर 1/2 teaspoon। अब ऐड करेंगे करी पत्ता, प्याज का कलर भी चेंज हो गया है मम्मा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए मूंगफली का, यहाँ पे देखिए ये मूंगफली का, मूंगफली की चटनी है, सूखी चटनी है ये। ओके, ये भी है, और थोड़ी सी सूखे नारियल की भी थोड़ी सी चटनी है। अब हम दोनों ऐड करेंगे हम इसमें। ओके, अब हम ये यूज करने वाले हैं हम इसमें, प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब हम ऐड कर लेंगे बीन्स की फली। ओके, माशाल्लाह यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा लुक है ना एकदम। ऐड करेंगे हम सूखे नारियल की जो चटनी है ये, इसमें कुछ भी नहीं डालते, ये सूखे नारियल है इसमें, फिर नमक है, फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर भी है इसमें, फिर लहसुन है,
ये तीन चीज मिक्स करके ये हम ग्राइंड कर चुके थे। ये इसकी रेसिपी भी बता दी मम्मा। हाँ इसकी रेसिपी मैं पहले ही बता दी। हाँ अगर आपको चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम ऐड करेंगे मूंगफली की चटनी, सूखी चटनी। ये भी सेम है, मूंगफली लेना है, मूंगफली को भूनना है, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल सैन, फिर नमक, फिर थोड़ा सा जीरा ऐड करके इसको जीरा पाउडर। हाँ जीरा, तो उसके बाद इसको ग्राइंड करना है बस। मम्मा को हर एक रेसिपी याद है। यहाँ पे देखिए बन चुका है हमारा। ये यूट्यूब में भी आप लोग टाइप करके भी देख सकते हैं, सर्च करके भी देख सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी आप लोगों को कहीं नहीं मिलती। देखिए ये मेरे स्टाइल में है, ये मेरी माँ की रेसिपी है ये। ओके नानी अम्मी, नानी अम्मी की रेसिपी है। ओके ये बन चुका है, यम्मी। ये देखिए रोटी के साथ, जवारी की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, फिर फुलके के साथ भी, पराठे के साथ भी, चावल के साथ तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, मगर रोटी के साथ, कौन सी भी रोटी के साथ खा सकते हैं। ओके ट्राई करना जरूर। मम्मा थोड़ा बोलो, बोलो। ये अब इसमें थोड़ा कलर नहीं बता रहा इसका, लाइट की वजह से। अब बिना लाइट के कलर दिखाता शायद। आप बता रहा देखो कलर इसका। ये मेरा फाइनल लुक, माशाल्लाह। ट्राई करना जरूर, स्किप नहीं करना। ओके आज आप लोगों को आटा गूंदना सिखाऊंगी मैं। ओके अब हम थोड़ा सा नमक ले लेंगे, आटा भी ले ली मैं। ओके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अब हम आटा गूंद लेंगे। बहुत सारे कमेंट भी थे आपकी रोटी बहुत टेस्टी रहती है और आटा गूंदना बताना, बताओ बोल के। तो आज मैं कुछ नहीं डालती मैं इसमें, सिर्फ नमक ऐड करती हूँ बस। पानी से मैं गूंद लेती मगर स्मूथ आती मेरी रोटी एकदम, बहुत 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 टेस्टी आती मेरी रोटी। मेरी रोटी है सबके लिए फेवरेट है, क्योंकि सब बोलते हैं मेरी रोटी देखना बहुत रोटी मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ मैं। पहले तो मेरी शादी के टाइम पे तो मेरे को आटा गूंदना भी नहीं आता था, सही में कुछ नहीं आता था मेरे को। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको, आटे को हम गूंद लेंगे। इसमें कुछ कमाल की बात नहीं है, ये रोटी तो सब कैसा डालते बोलते एक तरीके से ही डालते हैं, गोल या तीन कोनी, चार कोनी या कुछ भी कैसे भी डाल लो, पांच, मगर रोटी आटे गूंदने में ही कमाल है। इसमें कुछ भी नहीं, आटा गूंदने में कमाल, जितना अच्छा हम गूंदे आटे को तो उतनी अच्छी हमको रोटी परफेक्ट और एकदम स्मूथ रोटी बनती। इसको अच्छे से मालिश करना। मालिश करना है इसको, मालिश की जरूरत है इसको, कुछ भी नहीं है ऐसा। वर्ल्ड का सेकंड। यहाँ पे देखिए हमारा आटा गूंदना कंप्लीट हो चुका है, ये है। ओके बस इतना ही है, चलिए आ जाइए। ये है मेरा नाश्ता, नाश्ते के लिए। ओके लिखो, ए ऐसा लिखो, ए बी ये सी ये डी ऐसा, ये ए ए बी सी मेट दिए गई को लिखो, तुम लिखो लिखो, ए ऐसा नहीं ऐसा, ये ऐसा पहले ऐसा इधर, नीचे नीचे आना ऐसा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा बीच में ऐसा लकीर, ये क्या बोलते उसको, ए ए बी लिखो ऐसा करके, ऐसा करना बी ऐसा लकीर मारना, लकीर मार के ये सर ऐसा, इसको क्या बोलते हैं बी बी सी ऐसा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, नहीं इतना बड़ा नहीं आना, ऐसा आना ऐसा नहीं बाबा, ये सी फिर ये लकीर आके फिर ये डी, ये डी ए बी सी डी ये पढ़ लेते बैठो, मैं अभी आ रही। क्या हो रहा राधिका, ये ऐसे ही
मस्तियां करते रहेंगे कुछ तो देख। आज फुल वर्क डे है, आज मेरा बिजी डे है आज। चलिए अब मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे, कपड़े वॉश हो रहे, फिर बाहर का थोड़ा सा क्लीन करना है, वो भी क्लीन कर लूँगी। आज अम्मी भी आ रहे, आज मेरे को इतने सारे बर्तन हैं, फिर चूल्हा वगैरह भी मैं क्लीन ही है, मगर फिर भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्लीन कर लूँगी, फिर कुछ पका लूँगी मैं दोपहर में, कुछ बनाना है। अम्मी भी आ रहे आज गाँव से, यहाँ कपड़े भी वॉश हो रहे, फिर मैं अभी तक झाड़ू भी नहीं दी, क्लीन नहीं करी मैं, घर को भी सफाई करना है मेरे को। आज मेरे को फुल वर्क है, फुल बिजी डे है आज मेरा। ये अब्दुल, हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अब्दुल राजी अब्दुल मलिक आज स्लेट लेकर बैठ गए। चलो स्टार्ट करो। घर भी हमारा क्लीन हो रहा, फिर कपड़े भी मेरे वॉश हो रहे, फिर साथ ही साथ क्लीन कर रही हूँ, पोछा दे रही हूँ मैं, घर को भी गंदा हो गया, बहुत दिन हो गया था पोछा नहीं देके, इसलिए मैं पोछा भी दे रही हूँ। अभी मेरे को लंच भी बनाना है, अभी लंच भी नहीं बना, अभी मम्मी आते होंगे अभी। हमारे पास बन रही कड़ी दही की लंच में, फिर हम यहाँ पे देखिए भजियों का जो है ना आटा भी हम भिगा चुके हैं। अच्छा अपन अब भजिए तलेंगे, चलिए अब हम भजिए तलेंगे पकोड़े बेसन के। ओके अब कड़ी भी हमारी बन चुकी है, अब हम तलेंगे पकोड़े। ओके आपको खाना है? हाँ। पकोड़े खाना है? हाँ। जी मम्मा बोलना, मम्मा जी, अच्छा आप हम आप क्या करो, हमारे फ्रेंड से अपने फ्रेंड से बात करो, अच्छा सलाम कर दो पहले। अच्छा क्या बना रहे अपने पास कड़ी? अच्छा ये क्या है ये? अरे टैटू बनाए। हाँ। नहीं होता ना टैटू भी नहीं होता ना, ये भैया बनाए। हाँ। अच्छा अधूरे बात आ है तुम्हारे वो आ? अच्छा बात करो भैया, क्या बोल रहे? अच्छा देख बिस्मिल्ला, चलो स्टार्ट करेंगे। भैया आ रहे? अच्छा आपको पसंद भजिए? भजिए पसंद? खाते? अच्छा ठहरो ठहरो, गाड़ी में डालेंगे भजिए, ये कड़ी में, चलो हम डालेंगे कड़ी में भजिए। ओके माशाल्लाह मेरे को तो बहुत पसंद कड़ी, दही की कड़ी मेरे को बहुत पसंद। चलिए अब हम तड़का दे लेंगे, तेल भी है उसमें अब। ओके बहुत सारा तेल है ये, थोड़ा सा कम कर देंगे हम। चलिए ऑयल हीट हो चुका है, जीरा डालेंगे। क्या जी बेटे? हाँ हाँ राई डालेंगे। ये है लहसुन है, लाल मिर्ची है, करी पत्ता है, दो हरी मिर्ची है। ओके ये है हमारा दही का फाइनल लुक, कड़ी रेडी हो चुकी है। अब हमारे
चावल बन रहे लंच का, ओके लंच के लिए है मेरा लंच कड़ी चावल। ओके चलिए मैं आप लोगों को मैं दही की कड़ी की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ मैं, और सुबह में जो है ना सिमरिस की फली की रेसिपी भी वो भी आप लोगों को, वो तो पूरी फुल रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ मैं। फिर दही की कड़ी की रेसिपी तो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ मैं। फिर डिनर भी हमारा बन गया, मैं दोपहर में डिनर लंच डिनर एक साथ मैं बना ली मैं, क्योंकि मेरे सासू माँ भी आ जाने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी से फटाफट बना ली मैं। फिर कपड़े भी वॉश कर चुकी हूँ मैं, फिर पोछा भी लगा चुकी हूँ मैं। आज बहुत टायर्ड हो गई मैं वो, क्योंकि बहुत सारा काम था आज मेरे को, थोड़ा भी नहीं बहुत सारा काम था। फिर मैं लंच भी कर ली थी जब भी, अब मेरे को भूख भी नहीं है। नमाज़ तो मैं ऐशा की अभी पढ़ के जस्ट अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ मैं, ऐशा की नमाज़ भी होगी हमारी। और क्या है और क्या आप लोगों को एक खुशखबरी है, 513 है मेरे सब्सक्राइबर्स, बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम्युनिटी सिस्टम जो रहता ना वो हम टैप हमको मिल चुका है, कम्युनिटी सिस्टम का टैप, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए आप लोग, क्योंकि बहुत आप लोगों की सपोर्ट के बिना हमारा कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो हमको कुछ हम भी मोटिवेशन आता है, अंदर से एक फीलिंग आती है फीलिंग और बनाएंगे बोल के। फिर आप लोगों के इससे पहले भी अपने 100 सब्सक्राइबर्स के टाइम का भी शुक्रिया भी, 500 भी कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, बहुत 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 दिल से तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया। कम्युनिटी सिस्टम जो है ना टैब कम्युनिटी टैब कम्युनिटी टैब जो हमको मिल चुका है, चलो अब ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए। ओके फिर कम्युनिटी टैब आने का सरप्राइज भी रह सकता है तो कुछ स्मॉल पार्टी भी कर सकता बड़ा, इंशाल्लाह देखेंगे, पार्टी के बारे में तभी सोचा नहीं, क्योंकि 1K होने के बाद गारंटी इंशाल्लाह पार्टी करेंगे हम 1K, फटाफट हमको 1K तक हमको लेके जाए, और फटाफट हमको जो न्यू भी है सब्सक्राइब कर दे प्लीज प्लीज, और 1K तक हमको लेके जाए आप लोगों की सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके फिर अल्लाह का भी शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का भी बहुत शुक्र है। और क्या फिर ये ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना, फिर प्यार प्यार से कमेंट भी करना कमेंट, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। फिर उसके बाद फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग न्यू रेसिपी के साथ, फिर अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।